करोड़ों रुपए खर्च कर आलिशान मिनी सचिवालय तो बना दिया गया, लेकिन जिस सड़क से लोगों ने सचिवालय में आना है उसकी हालत बेहद खस्ता है। सड़क को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कभी यहां सड़क भी थी। जगह जगह सड़क पर पानी भरा हुआ है, सड़क के साथ साथ लगती नालियां बंद पड़ी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो विभाग सारे शहर में सड़कों का निर्माण करता है, उस लोक निर्माण विभाग का कार्यालय भी इसी सड़क पर मौजूद है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों सड़क इस बदहाल अवस्था में है। शहर के सभी बड़े अधिकारी इसी सड़क से मिनी सचिवालय पहुंचते हैं, लेकिन शायद लग्जरी गाड़ियों में उन्हें सड़क के गड्ढे महसूस नहीं होते होंगे। जब हमने इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता विजय चौहान से इस बारे में पूछा तो उन्होंने आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि चुनावों की वजह से सड़क की मेंटेनिंग नहीं हो पाई, लेकिन अब सड़क की मेंटेनिंग के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और फाइल को अनुमति के लिए उपायुक्त सोलन को भेजा गया है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इसका कार्य आरंभ हो जाएगा। कंप्लेंट्स बहुत है इस रोड के बारे में, क्योंकि बिल्कुल एक नाले की तरह ही बन गई है सड़क, तो इसको हम फिर दोबारा से एक एस्टिमेट और भेज रहे हैं ताकि फंड्स मिल जाए नई गवर्नमेंट से। मिनी सचिवालय के एस्टिमेट हमने इसका दिया था 72 लाख का, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है जगह जगह से, तो उसके फंड्स की अब डीसी साहब को हमने पुराने उनको दिया था, शायद अब वो बदल गए, अब दूसरे डीसी साहब से इसको टेकअप कर रहे हैं, शायद वो पैसे दे दें तो हम उसका टेंडर लगा देंगे। अभी फंड्स की थोड़ी वो है, अब एस्टिमेट हम दोबारा फिर दोबारा से भेज रहे हैं।